मैं ऐसा लगता हूँ मैं 36 साल के बाद फिर से मैं जवान हूँ। जयराम महतो के इस आवाज इस बुलंद को देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं 36 साल के बाद आपके बीच में वो संदेश वो हुंकार दे आया हूँ। जब मेरा उम्र 26 साल था मैं जयराम महतो की तरह छब्बीस साल का नौजवान था। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ बल्कि आपके मंच में जयराम महतो को नेता झारखंड का नेता सुन लो। मैं आप लोगों से ये राय मांगना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ 2024 के विधानसभा के तस्वीर बदलने के लिए जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का बागडोर करना प्रस्ताव करते हैं। आप जयराम महतो और जितने भी नौजवान साथी हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, मैं भी घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी थे और रांची विश्वविद्यालय में 1986 में एमए किया और निर्मल महतो ने मेरे को जिम्मा दिया। जिस तरह आज निर्मल महतो शहीद हो गए, सुनील महतो संसद शहीद हो गए, उन लोगों के बीच में जो संकल्प लिए थे मैं आपके बीच में आकर ये मैंने उस दिन बनाने का जिम्मेदारी और इतने बड़े छात्र नेता बनाने का आशीर्वाद निर्मल महतो से मिला था। आज मैं उस आशीर्वाद को मैं जयराम महतो को सपोर्ट कर रहा हूँ कि झारखंड को बदल रहा है, सत्ता को बदल रहा है, भ्रष्टाचार को मिटा दो, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करो और ऐसे हेमंत सोरेन सरकार जैसे जो 32 का खतियान को लागू करना था धनबाद से यह चिंगारी फूटी। मैथिली भाषा माझी भाषा भोजपुरी भाषा सबसे बड़े कोयला क्षेत्र धनबाद बढ़िया आप ठीक है आप ठीक है हेलो 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 धनबाद के नौजवानों ने बाहरी और बिहारी भाषा नहीं चलतो, भोजपुरी माझी भाषा नहीं चलतो ये मीडिया ने सुना और आगाह किया था। अब ये मानव श्रृंखला हेलो 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 जी हेलो हेलो वो आवाज उन्होंने बुलंद किया और कोयलांचल धनबाद से शुरू हुई कि बिहार के भाषा झारखंड में नहीं चलते, बिहार का राजपाट बिहारी का कामकाज झारखंड में नहीं चलते और देखते ही देखते एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लग गई और झारखंड का खतियान 1932 का खतियान विधेयक पारित होना पड़ा बद्ध होना पड़ा हेमंत सरकार का। ओए भैया ओ भैया मैं विधि विधान बोलना चाहता हूँ कि आज का जोश और वो 36 साल के पहले का होश मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उन दिनों 1996 में मेरे नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना आईसू भैया और मैं गोरखालैंड गया
आसाम में गया और वहां का प्रशिक्षण लेके मैं आया और निर्मल महतो का हत्याकांड 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर में हुआ मेरे आंखों के सामने। और उस समय हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सयू में सिद्धांतिक रूप से मतभेद हुआ। मैं आपको इतिहास बयां करना चाहता हूं। 1940 में रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे 1940 रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पटेल से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस झारखंड के रामगढ़ में 1940 में आया था। महात्मा गांधी भाषण दिया, बोला इंग्रेजों को भगाना है लेकिन नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन से, अहिंसा असहयोग से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला कि इस तरह से इंग्रेज भारत देश को छोड़ नहीं सकता, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और उनको लोहा लेना पड़ेगा। और तब डिफरेंस पैदा हो गया, ए रामगढ़ से आजादी फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरम दल बनाया और कांग्रेस नरम दल महात्मा गांधी बना। निर्मल महतो हत्याकांड 8 अगस्त 1987 में राम जमशेदपुर में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिवू सोरेन कहते थे कि बाहरी बिहारी बड़े भाई और बाहरी बिहारी बड़े भाई को गले लगाने का काम किया और निर्मल महतो हत्याकांड में राजनीति करना चाहा। मैं उन दिनों आईसीयू का नेता का बागडोर संभाला था। निर्मल महतो हत्याकांड में मेरे नेतृत्व में आईसीयू ने ऐलान किया डू और डाई, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम ही हमारे रक्त दाओ आमी तुम्हें स्वाधीनता दिवो, रक्त दियो मु स्वाधीनता दिवी माया में मो मैं भूल गेलिंगे मामा। এই ধরনের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। নির্মল মাতো হত্যাকাণ্ডকে বাদ রাজীব গান্ধী কো দিল্লি গায়ে আমলোক মেমোরেন্ডাম সপলে, লেকিন 1989 মে 72 ঘন্টা ঝাড়খণ্ড বাঁধ। মই নজওয়ান থা 26 সাল কা নজওয়ান আর এলান কর দিয়া ডো ডাই আর গোর্খা লেনা আন্দোলন বড়োলেন আন্দোলন সুভাষ কিসিং কা আন্দোলন প্রফুল্ল মাহন্তো কা আন্দোলন সবকো পছাড়তে হুয়ে 50 সাল কা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কা দশা আর দিশা বদল দিয়া আর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী কো সুরসিং বেসরা কো দিল্লি বুলানা পড়া। এ ইতিহাস 1989 হ্যায়। আর উসকে বাদ মাই লড়াই আইসু আজ জেসে জয়রাম্মা কো কে আওয়াজ পে हजारों नहीं लाखों नौजवान आज उनका जुनून दिखने को मिलता है। मैं धनबाद गए थे, रांची का आवाज सुना, भाजपा सरकार बनाई, सब जगह जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन जब से 1932 का आंदोलन चला जय श्री राम पूरे झारखंड में जय राम जय राम जय राम जय राम। तो जयराम महतो आते ही ये जयराम महतो ये एक आंधी है, ये तूफान है, ये बदलाव का संकेत है, ये क्रांति का दूत है। इनकी आवाज पूरे झारखंड में रही है और मैं आपको वादा करता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग बनने नहीं आया, मैं बनूंगा। हेलो 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 किंग बनेंगे जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा, जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों के तकदीर बदलेगी, जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा,
जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप